हेलो मेरे दोस्तों, वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट्स को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं। समय बदल रहा है और हम अपने आप को मॉडर्न बताते हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों की सोर्स ऑफ इनकम उन्हीं ट्रेडिशनल तरीकों से आती है, जैसे जॉब या बिजनेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? सैलरी या बिजनेस? और इन्वेस्टमेंट्स, उनका क्या? इन्वेस्टमेंट्स को तो हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट्स नजर नहीं आते, और यही रीजन है कि हमें हमारी इनकम में से इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन नहीं मिलता। हमें कभी भी ये ख्याल ही नहीं आता कि अगर आज हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो यही इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकते हैं। बस हमारी सोच में ये एक छोटा सा बदलाव हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकता है। चलिए तो समझते हैं 10 रूल्स जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकते हैं। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। क्या आप पर्सनल फाइनेंस जैसे टैक्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन और पिन किया हुआ कमेंट जरूर चेक कीजिए। सो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का सबसे पहला रूल है, अपने आप को अच्छे से पहचानिए। हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। किसी को रिस्क लेकर इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद होता है, तो कोई काफी ज्यादा कंजर्वेटिव होकर सिर्फ PPF, EPF, FD जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, तो कोई इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करके बैलेंस्ड रहना चाहता है। सो सबसे पहले तो आप अपना रिस्क एपेटाइट समझिए। हर कोई सेम रिस्क नहीं ले सकता, तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बिना समझे ही इक्विटीज में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो सही नहीं होगा। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा, आप डर कर इन्वेस्टमेंट्स को बेच दोगे। हाँ, अगर आपके सर पर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट, घर खरीदना है, तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा पुश कीजिए और कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 2, देयर इज नो फ्री लंच। इमेजिन कीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और जब आपने बिल मांगा तो ओनर ने आपसे कहा, अरे इसकी क्या जरूरत है, ये तो फ्री था। तो आप तुरंत सोचोगे कि खाने में कुछ मिलाया तो नहीं था। आपके घर कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जब काम करने आते हैं, तो क्या आप उन्हें उनकी फी नहीं देते? या फिर जब आप ऑफिस में काम करते हैं तब आपको सैलरी मिलती है ना, तो फिर आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको फ्री में इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगा? लेकिन नहीं, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो फ्री में ही एक्सपेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानर वो होता है जो फाइनेंस की फील्ड में नॉलेजेबल होता है, जो आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पहले तो समझता है और आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, रिस्क एपेटाइट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, लायबिलिटीज जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, इन सारी चीजों को समझकर आपको गाइड करता है कि आपके लिए क्या सही होगा। सिर्फ 4 फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आपका ये समझना जरूरी है कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड है या नहीं, क्या उन्हें रीबैलेंस करना होगा या नहीं। फाइनेंशियल प्लानर आपको एक नॉमिनल फी चार्ज करता है, लेकिन वो आपको बहुत महंगी और बड़ी गलती करने से बचाता है। सो अगर आप इस चीज को समझते हैं और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स चेक कीजिए। जब कोई चीज फ्री होती है ना, तब आप प्रोडक्ट होते हो। जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम फ्री तो है, लेकिन हमारा डेटा उनके पास है और वो हमें इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। रूल नंबर 3, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ में आपके लिए क्या मैटर करता है, तो आपका जवाब होगा मेरी फैमिली और मेरा काम, क्योंकि फैमिली आपको इमोशनली डिफाइन करती है, काम आपको फाइनेंशियली डिफाइन करता है। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट को भी अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। ये वो प्रोसेस है जहां आप अपनी प्रेजेंट इनकम को
यूटिलाइज करके फ्यूचर इनकम बना सकते हैं। और अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस या बर्डन कंसिडर मत कीजिए और प्रायोरिटाइज कीजिए। रूल नंबर 4, मार्केट के उतार चढ़ाव से मत डरिए। आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है, ठीक वैसे ही बड़े इकोनॉमी में छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस तो होते ही रहते हैं। कई बार ना इन्वेस्टर्स छोटे फ्लक्चुएशन से डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स को बीच में ही बेच देते हैं। अगर सेंसेक्स 60,000 पॉइंट्स पर है और कभी 900 या 1,000 पॉइंट्स नीचे चला भी गया तो ये 1.6% हुआ, जो इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन 1000 पॉइंट्स का नंबर न्यूज वाले काफी बड़ा बनाकर दिखाते हैं। मैं तो फाइनेंशियल प्लानर हूँ, लेकिन अगर आप मुझे भी कभी ये पूछोगे ना कि कल मार्केट कहाँ होगा, तो मेरा आंसर होगा मुझे नहीं पता है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट पक्का ऊपर ही जाएगा, ये मुझे पता है। रूल नंबर 5, इन्फ्लेशन। जो खर्चा आप आज करते हैं अपना घर चलाने के लिए, वो खर्चा फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि महंगाई बढ़ने ही वाली है। इन्फ्लेशन आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को नीचे खींचता है। सो अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमेशा इन्फ्लेशन को ज्यादा कंसिडर करके ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आप 7% कंसिडर कीजिए। रूल नंबर 6, अपना होमवर्क कीजिए। मुझे ना स्कूल में होमवर्क ना करने के कारण टीचर से अक्सर डांट पड़ती थी और एग्जाम्स के समय पर डिफिकल्टी होती थी और मुझे लगता था कि मैं पीछे छूट रहा हूँ। और जब आप भी होमवर्क किए बिना इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये सेम फीलिंग आती है। लेकिन अब यहाँ कोई टीचर नहीं होती है जो आपको डांट दे, लेकिन होती है मिस्टेक्स जो आपको काफी महंगी पड़ती है इन्वेस्टमेंट्स का सही नॉलेज ना होने के कारण। इन्वेस्टमेंट्स ही आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। जिन प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं उनका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, या तो फिर आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की भी हेल्प ले सकते हैं। रूल नंबर 7, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोकिए मत। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहे तो इससे आप डिसिप्लिन बनते हैं और इन्वेस्टमेंट्स आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, हर महीने का छोटा सा अमाउंट ही इनफ होगा। जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, 10,000 रुपीज को 5 ईयर्स के लिए 12% पर इन्वेस्ट किया तो 8 लाख रुपीज आता है, लेकिन इसे 30 ईयर्स तक कंटिन्यू किया तो 3.5 करोड़ बनता है, और 50,000 रुपीज को 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया तो 10 करोड़ बनता है। रूल नंबर 8, प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कीजिए। जब आप काफी समय तक डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करते हैं तो एक समय बाद आपको अपने पोर्टफोलियो बैलेंस पर काफी अच्छा प्रॉफिट दिखता है, तब एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वाली फीलिंग आती है और ज्यादातर लोग उस प्रॉफिट को विड्रॉ करके स्पेंड कर देते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये समझना है कि जो रिटर्न्स है ये कंपाउंडिंग के कारण है, और अब आपको कंपाउंडिंग पर भी कंपाउंडिंग करनी है। सो अगर आप प्रॉफिट्स को विड्रॉ करते हैं तो कुछ अमाउंट स्पेंड कीजिए और कुछ अमाउंट को दोबारा से इन्वेस्ट भी कीजिए। रूल नंबर 9, रिटर्न्स पर नहीं लॉन्ग टर्म पर फोकस कीजिए। लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जिन्हें आप 10-15 इयर्स के बाद अचीव करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स दो धारी तलवार की तरह होते हैं। आपके पास इन गोल्स को अचीव करने के लिए काफी लंबा समय होता है, लेकिन साथ ही साथ इन गोल्स का अमाउंट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ अमाउंट भी बढ़ता है। कई बार ना इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे कार खरीदनी है तो रिटायरमेंट फंड से पैसे विड्रॉ कर देना, या फिर वेकेशन पर जाना है तो बच्चों की हायर एजुकेशन फंड से पैसे विड्रॉ करना, ये सोचकर कि हम दोबारा उस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन तब तक काफी समय निकल चुका होगा और कंपाउंडिंग नहीं होगी। अक्सर जब इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स नहीं आते तो वो अमाउंट विड्रॉ कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उनके गोल्स तो लॉन्ग टर्म में है। रूल नंबर 10, रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। मार्केट कंडीशंस के चेंज होने के साथ साथ पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना भी जरूरी है।
अगर आपके गोल्स में कोई चेंजेस है या आपकी इनकम में कोई चेंज है या आपके पास कोई लमसम अमाउंट है तो ऐसे समय पर भी रीबैलेंसिंग जरूरी है। सो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन रूल्स को आप भी अपने फाइनेंशियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर जरूर बनोगे। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए या पिन किया हुआ कमेंट चेक कीजिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।